हेलो हेलो फरमाइए, क्या बात है? मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी, मुझे कल कॉल आई थी उनकी। न्यू स्टार्टअप के लिए अप्लाई किया था लेकिन बार करीम ओग्लू लिखा देखा, इसलिए कंफ्यूजन है। फिरोजे मैडम है ना आप? जी बिल्कुल, फिरोजे याबूस। बिल्कुल सही पते पर आई हैं। जीने से चली जाएं, असिस्टेंट आपकी हेल्प करेंगे। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया। फिरोजे मैडम। जी मैं हूँ। इस तरफ आइए। आपकी मेहमान आ गई है मैडम। आने दो। ओह, व्हाट अ सरप्राइज, तुम हो? जी मैं हूँ, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि मैं आपसे मिलूंगी। तुम्हें भी सरप्राइज मिला इसका मतलब? बैठो ना। मैं बहुत शॉक्ड हूँ, माइंड मत करिएगा। करीम ओग्लू होल्डिंग की इंडिपेंडेंट फॉर्मेशन है। यूथ की एनर्जी मुझे काफी पसंद है, इसलिए उनके साथ काम करने के लिए ये स्टेप लिया है मैंने। चाय कॉफी लेना पसंद करोगी? नहीं बहुत शुक्रिया। तो ठंडा ले लो। नहीं, मुझे बहुत पसंद है औरतों को सपोर्ट करना, खास तौर पर उन्हें कामयाब देखना बहुत अच्छा लगता है। कहान साहब, माफ कीजिएगा, आपके पास वक्त होगा? जी फरमाइए। मैंने वो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए हैं जो आपने मुझसे मांगे थे, आप देखना चाहेंगे? चलिए देखते हैं। मैं खुद को बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप मौजूद हैं। जिन रास्तों से आप गुजरी हैं, एक दिन मैं भी उन रास्तों से गुजरूंगी। बिल्कुल, जरूर गुजरोगी। तुम एक स्ट्रांग वुमन लगती हो मुझे, नाकाम होने की कोई बात ही नहीं तुम में। लेकिन अभी तो तुम्हारी शुरुआत हुई है, तो तुम्हारी एक्साइटमेंट समझ सकती हूँ। जब पहली इंटर्नशिप की थी तब मेरी हालत भी तुम्हारे जैसी थी, पता है तुम्हें? ये तस्वीर मैंने अपनी पहली सैलरी से ली थी। अच्छी है ना? बिल्कुल मासूम। हमारे इश्क के शुरू के दिनों की गवाही है ये। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। इसके बाद बहुत कुछ खरीदा है मैंने जिंदगी में, लेकिन इसका अलग ही मकाम है। मेरे शौहर कहान, स्कूल खत्म होते ही शादी कर ली थी हमने। पता है पिछले ही हफ्ते हमारी 5वीं एनिवर्सरी हमने मिलकर मनाई है।